स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय बहन अंजना मेहरिया मातृशक्ति की प्रतीक के रूप में आकर के सबका मंगल करो। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठते सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सबकी ओर से इस पुण्य पावन पुण्य भूमि बंग भूमि जहाँ इतने महापुरुष आए एक समय में सैकड़ों महान वैज्ञानिक महान संत परमहंस महान साहित्यकार ऐसी पुण्यभूमि में आप सब की ओर से संक्षिप्त स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय ब्रजमोहन आदरणीय डॉक्टर ब्रजमोहन गौर। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यदभद्रम तन्यासुभ। ओम शांति शांति शांति। सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब शांति कुंज से आए हुए हमारे भाई कालीचरण जी हरीश ठक्कर जी ओंकार जी पुष्कर जी और हमारे अन्य साथी कलकत्ता महानगर के कोने कोने से आए हुए गायत्री परिवार के समर्पित कार्यकर्ता बंधुओं बहनों भाइयों, आज का दिन हम सबके लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि कई वर्षों के पश्चात परम सिद्ध डॉक्टर साहब इस पावन भूमि में आज यहाँ पधारे हैं। डॉक्टर साहब के हृदय में न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि सारे विश्व के लिए करुणा का स्रोत बहता है। अखंड ज्योति के प्रश्नों से आप सब पढ़ते रहते हैं। वर्तमान में धर्म के ऊपर चारों ओर से प्रहार भी हो रहे हैं। आने वाली पीढ़ी जो वैज्ञानिक दृष्टि से चिंतन करती है मनन करती है विचार करती है
जब वो धार्मिक क्षेत्र के बाबाजियों के किस्से देखती है, सुनती है, पढ़ती है, तो उसके मन में घृणा पैदा हो जाती है। लेकिन अचानक इस अंधकार भरे क्षेत्र में कहीं से कोई ज्ञान की किरण, विज्ञान का संदेश लेती हुई जब आती दिखाई पड़ती है, तो वो युवा पीढ़ी सोचने लगती है कि एक ऐसे मनीषी जिन्होंने अपने युवा जीवन में मेडिकल साइंस का अध्ययन किया, गोल्ड मेडल प्राप्त किया और अपनी युवावस्था में अपने गुरु के चरणों में जिन्होंने समर्पण कर दिया, जब उनके लेखनी को, उनकी वाणी को लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो मित्रों उनका हृदय छूने लगता है। गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार की विचारधारा के द्वारा इस धरती पर मनुष्य में देवत्व का जागरण होना है, धरती पर स्वर्ग का अवतरण होना है, तो लोग धार्मिक क्षेत्र के भी, वैज्ञानिक क्षेत्र के भी डॉक्टर साहब की उपस्थिति में अनुभव करते हैं। यदि कोई युग परिवर्तन कर सकता है तो गायत्री परिवार कर सकता है, यदि कोई धर्म की रक्षा कर सकता है तो गायत्री परिवार कर सकता है, यदि जातिवाद के, संप्रदायवाद के दीवालों को कोई तोड़ सकता है तो गायत्री परिवार तोड़ सकता है, यदि गंगा की कोई सफाई कर सकता है तो गायत्री परिवार कर सकता है, और पर्यावरण से जूझने के लिए राष्ट्र में कोई वृक्षारोपण कर सकता है तो गायत्री परिवार कर सकता है, और वो प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर पंड्या जी साहब। एक बड़े उद्देश्य को लेकर के कि गायत्री परिवार के जो परिजन कलकत्ता में हैं, उनके कंधों पर बड़ा भारी वजन आया हुआ है। बंगाल की धरती धर्म की धरती है, संस्कृति की धरती है, क्रांति की धरती है। यदि देश में क्रांति आएगी तो बंगाल से आएगी, और बंगाल के परिजनों को एक बड़ा काम करना है। बंगाल कलकत्ता महानगर में एक शानदार प्रकाश स्तंभ की तरह प्रकाश बांटने वाले केंद्र की आवश्यकता थी, उसके निर्माण के लिए डॉक्टर साहब ने अपने आशीर्वाद दिए और यहाँ के कार्यकर्ता संकल्पबद्ध हो गए, और हर कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है कि 32 नंबर में बनने वाले इस शानदार गायत्री चेतना केंद्र के लिए हम तन से, मन से, धन से पूरा समर्पण करेंगे, और 12 अक्टूबर को ये केंद्र अपने नई दिशा की ओर, निर्माण की ओर चलेगा, और यहां से सारे बंगाल को प्रकाश मिलेगा। ये प्रकाशन केंद्र भी होगा, संस्कार केंद्र भी होगा, ध्यान केंद्र भी होगा। ऐसे विशेष समय में आप सबको शक्ति प्रदान करने के लिए डॉक्टर साहब बड़े व्यस्त कार्यक्रमों में से उन्होंने बड़े उदारता पूर्वक, जब यहां के भाई शांति कुंज गए तो अचानक उनके हृदय से ये भाव आए, अच्छा मैं कलकत्ते आता हूं, बहुत दिन से नहीं आया। सुनकर के कार्यकर्ताओं को लगा इतनी जल्दी स्वीकृति मिल कैसे गई, एक वर्ष तक जहां प्रतीक्षा करनी पड़ती है, डॉक्टर साहब के पन्ने भरे पड़े हैं। अभी भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के यहां से बार बार फोन आ रहा है कि उनका जन्मदिन है 17 सितंबर में, डॉक्टर साहब की उपस्थिति बड़ी प्रार्थनीय है, पर डॉक्टर साहब की बड़ी व्यस्तता है, मैंने भी निवेदन किया है, लेकिन डॉक्टर साहब और कार्यक्रमों को इतना महत्व नहीं देते जितना महत्व गायत्री परिवार के कार्यक्रम को देते हैं, और अपने विशेष समय में से यहाँ आए हैं। हम सब उनका हृदय से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, और जो कुछ वो हमें आदेश दें उस सबका हम तन से, मन से, धन से पालन करें, और एक संगठित होकर के हमारे 3 केंद्र बन के तैयार होने वाले हैं,
हम सब संगठित होकर के एक ऐसी ऊर्जा पैदा करें कि यहां से जन जन को, बंगाल के प्रत्येक भाई बहन को क्रांति का संदेश मिले। हम सब पुनः हृदय से डॉक्टर साहब का भाव भीना स्वागत करते हैं, पुनः ताली बजा करके कि बार बार धरती पर आए और प्रेरणा प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद गौड़ भाई साहब। और अब श्रद्धेय डॉक्टर साहब के विशेष उद्बोधन के पहले हम अपने उद्गाता बंधुओं से निवेदन करेंगे। वो वैसे तो गीतों की तो संख्या हजारों में है प्रज्ञा गीतों की, पर अभी के लिए ये गीत चुना गया है, असमंजस में समय गंवा कर कायर नहीं कहाना है। अब वो समय आ गया है, रणभेरी बज गई है, मंगल ध्वनि हो चुकी है, जागृत आत्माओं की खोज, जागृत आत्माओं के लिए वो स्वर गुंजायमान हो रहा है। भगवान कृष्ण की जैसे बांसुरी बज गई हो महाराज के प्रयोजन के लिए, ऐसे ही समय है। महाकाल का कार्य प्रत्यावर्तन के लिए चल पड़ा है, ऐसे में हम हाथ पे हाथ बांधे ना बैठे रहें, कल के लिए मत टालें, इसी समय जो कुछ हम कर सकते हैं उसमें सन्नद्ध हो जाएं, ऐसी भावना व्यक्त करता हुआ यह प्रज्ञा गीत समर्पित है हमारे उद्गाता बंधुओं द्वारा। बोलिए भारत माता की, स्वामी विवेकानंद की, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, युगाधिपति महाकाल की। ये नवयुग के निर्माण की भेरी आज बज उठी है। चार काम हमको करना है। एक काम तो हम नित्य करते हैं कि तन की शुद्धि के लिए स्नान जरूरी है। तन की शुद्धि के लिए स्नान जरूरी है, धन की शुद्धि के लिए दान जरूरी है, मन की शुद्धि के लिए ध्यान जरूरी है, और संपूर्ण जीवन की शुद्धि के लिए गुरुदेव का ज्ञान जरूरी है। और वो ज्ञान का केंद्र यहां पर खड़ा होने वाला है। आप सबकी उस लाठी के टेका चाहिए, गोवर्धन तो भगवान स्वयं उठाएंगे, अपनी उंगली पर उन्होंने उठा रखा है। हमें श्रेय और सौभाग्य मिलना है, हम कहीं चूके नहीं, कहीं असमंजस में पीछे नहीं रह जाए। आज बज उठी रणभेरी नवयुग के निर्माण की, उठो साथियों लिखो कहानी नवयुग के निर्माण की। बिगुल बज गया महाक्रांति का, बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है, असमंजस में समय गंवा कर कायर नहीं कहाना है। वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है, असमंजस में समय गंवा कर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। जाने कितने शुभ कर्मों ने यह सुयोग दिलवाया है, महाकाल से कदम मिला चलने का अवसर आया है। जाने कितने शुभ कर्मों ने यह सुयोग दिलवाया है, महाकाल से कदम मिला चलने का अवसर आया है। हम सच्चे साथी हैं प्रभु के,
सच्चे साथी है प्रभु के, यह विश्वास बढ़ाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। जिनने पहचाना है युग को क्षण भर नहीं गवाते हैं, समय चूक जाने वाले तो अंत समय पछताते हैं। जिनने पहचाना है युग को क्षण भर नहीं गवाते हैं, समय चूक जाने वाले तो अंत समय पछताते हैं। पछतावे का मौका मत दो, पछतावे का मौका मत दो, सुख सौभाग्य बढ़ाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। शौर्य शहीदों जैसा अपनी नस नस में भरना होगा, प्रभु के निर्देशों पर चलकर प्रखर कर्म करना होगा। शौर्य शहीदों जैसा अपनी नस नस में भरना होगा, प्रभु के निर्देशों पर चलकर प्रखर कर्म करना होगा। बाधाओं को चीर चीर कर, बाधाओं को चीर चीर कर अपना मार्ग बनाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। कवच हमारा गुण अनुशासन, शस्त्र अनूठे श्रम प्रतिभा, सैनिक हैं हम महाकाल के अस्त्र सबल श्रद्धा निष्ठा। कवच हमारा गुरु अनुशासन, शस्त्र अनूठे श्रम प्रतिभा, सैनिक हैं हम महाकाल के अस्त्र सबल श्रद्धा निष्ठा। बलिदानी संकल्प जगा कर, बलिदानी संकल्प जगा कर आगे बढ़ते जाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। शौर्य आपकी ताली में भी पता चलना चाहिए, जरा हाथ उठा के ताल के साथ ताली बजाइए एक साथ। कलकत्ता जाग गया है, लगना चाहिए। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गवा कर
कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना 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 है। बोले वादिपति महाकाल की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उद्गाता बंधु। और अब बारी है हमारे श्रद्धेय डाक साहब के विशेष उद्बोधन की। श्रद्धेय डाक साहब हमारे परिवारजिकों में शिरोमणि हैं, हमारे गायत्री परिवार के प्रमुख हैं, हमारे देश में क्या विश्व भर में, हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, हमारे अखंड ज्योति पत्रिका जो परम पूज्य गुरुदेव ने 1938 में शुरू की थी, उसके बाद में वे संपादक हुए श्रद्धेय हमारे परम पूज्य गुरुदेव के हाथों से ही उन्होंने कलम लिया था, पेन ली थी। ब्रह्मवर्षस शोध संस्थान है, मनुष्य में देवत्व के जागरण को क्या हम वैज्ञानिक प्रतिपादनों से सिद्ध कर सकते हैं, धर्माचरण से ही कल्याण होगा, इसको क्या हम विज्ञान के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, इसका एक बहुत बड़ा संस्थान है शांति हरिद्वार में, ब्रह्मवर्षस शोध संस्थान, उसके निदेशक हैं। और ऐसे श्रद्धेय डाक साहब आज हमारे बीच में हैं, करीब 6 वर्षों के बाद संभवतः उनका आगमन हुआ है एक बहुत बड़े काम के लिए। वो आपको याद दिलाएंगे कि ऐसे समय में आपका जन्म हुआ है जब युग का प्रत्यावर्तन हो रहा है और भगवान के साथ में काम करने का बहुत बड़ा सुयोग आपको प्राप्त हो रहा है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव के ही पूर्व जन्म की धरती है ये बंगाल, जहाँ रामकृष्ण देव जन्मे, जहाँ बड़े हुए, जिन्होंने उन्होंने जो काम किया उसी कार्य को और भी कई बड़े परिप्रेक्ष्य में शुरू कर दिया है हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने। और अपनी वसीयत और विरासत नाम की किताब में उन्होंने उस बात को लिखा भी है कि मेरे पूर्व 3 कौन से जन्म हुए। अभी के जन्म के जस्ट 1 जन्म पहले वाला जन्म था रामकृष्ण देव का। हम सब लोग एक महान लोक मंगलकारी यात्रा में, युग परिवर्तनकारी यात्रा में साथ हैं भगवान के साथ, बहुत बड़े काम में। इसका कैसे श्रेय मिलेगा, कैसा सौभाग्य है, श्रद्धेय डाक साहब से मैं प्रार्थना करूँगा कि आपको अपनी भूमिका के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि क्या करके आप और अधिक सौभाग्यशाली बन सकते हैं, आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। श्रद्धेय डाक साहब आपको याद दिलाएंगे आपके उत्तरदायित्वों की। आप सब जागृत आत्मा हैं तो जागृत आत्माओं को युग धर्म को कैसे पहचानना होगा, क्या करना होगा इस जमाने में, बहुत जरूरी कौन सा काम है। भले हम कोलकाता में हैं, कोलकाता महानगर से बहुत अपेक्षाएं हैं हमारे श्रद्धेय डाक साहब को, बहुत कुछ हो सकता है। जैसे गौड़ भाई साहब भी बता रहे थे कि ये तो क्रांति की भूमि है, तो विचार क्रांति की बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ हो सकती है और सारा देश उससे लाभ उठाएगा। मैं श्रद्धेय डाक साहब को आप सब की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि वे हम सबको, आप सबको यह मंगलमय संदेश कार्यकर्ताओं को पाथे, आगे के जीवन का उत्तरदायित्व का बोध कराएं। श्रद्धेय डाक साहब सभी से एक प्रार्थना की कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें और अपने हृदय स्थल से पुकारें कि सूर्य भगवान का तेज हमारे रोम रोम में, कण कण में समाहित हो। गायत्री मंत्र का देवता सविता देवता है, सविता देवता से प्रार्थना कि हमारे अंदर रोम रोम में, कण कण में उनका प्रकाश प्रवाहित होता चला जाए। और उसके साथ साथ गायत्री मंत्र की प्रेरणा, गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, हमारे इसी भूमि पर अपनी लीला का पूरा स्वरूप दिखाकर जाने वाले रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, और सारी साधनाओं के चक्कर में क्यों पड़ते हो, केवल एक गायत्री साधना करके देखो, तुम्हारे जीवन में सब कुछ मिलता चला जाएगा। ये रामकृष्ण परमहंस ने ये कहा
और उसके बाद ढेरों लोग, ढेरों बंगालीज, ढेरों पूरे भारत के वासी गायत्री मंत्र से जुड़ते चले गए। उसी गायत्री मंत्र को परम पूज्य गुरुदेव ने जगाया, जगाने के बाद पूरे विश्व में फैलाया। ऐसे गायत्री मंत्र को हम सब उच्चारित करेंगे। उसका अर्थ है उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा के तेज को हम अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। आज सारी समस्याओं की जड़ है दुर्बुद्धि, बुद्धि का प्रदूषण। यदि बुद्धि का प्रदूषण ठीक हो जाए, दुर्बुद्धि ठीक हो जाए, सब सद्बुद्धि की तरफ चलने लगे तो देखते देखते परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा। आइए हम सभी गायत्री मंत्र के माध्यम से एक साथ, इतने सारे लोग बैठे हैं, एक साथ गायत्री मंत्र बोलें और प्रार्थना ये करें। हम सबकी बुद्धि और हमारे साथ साथ पूरे कलकत्ता की बुद्धि, हमारे साथ साथ पूरे बंगाल की बुद्धि, सब जितने भी हैं यहाँ के नेता, यहाँ के कलाकार, अभिनेता, जनता, सबकी बुद्धि अभी सही मार्ग पर चले। गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचय। हमारे बीच यहाँ विराजमान आदरणीय श्री ब्रजमोहन गौड़ जी, कालीचरण जी, भाई साहब, आपके ही कलकत्ता कोलकाता शहर से के द्वारा आज से करीब करीब 40 साल पहले अपना जीवन पूरा देकर शांतिकुंज आने वाले श्री हरीश भाई ठक्कर जो हमारे साथ रहते हैं शांतिकुंज में और सारा अकाउंट्स का काम देखते हैं, हमारे ट्रस्टी हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम संभाल रहे हैं पिछले 40 साल से। आप सभी देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, हमारे 32 नंबर मदन मित्रा लेन, उसके अलावा गायत्री चेतना केंद्र और उसके अलावा बैंडल क्षेत्र और हमारे रवि शर्मा, प्रहलाद जी, इनके क्षेत्र से आए हुए सभी जो वृक्षारोपण के आंदोलन की क्रांति चलाए हुए हैं, इन सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, पूरे ग्रेटर कोलकाता के जितने भी यहाँ बैठे हुए गायत्री परिजन हैं वे सभी भाइयों बहनों, ये भूमि बड़ी दिव्य है, डिवाइन है। मैं जब पढ़ता था मेडिकल कॉलेज में तब भी यहाँ आता रहता था और जब भी मुझे समय मिलता, जब भी थोड़ा सा अवकाश मिलता तो मैं एक दिन के लिए कोलकाता आकर के बेलूर मठ, दक्षिणेश्वर को प्रणाम करके चला जाता था। उसमें आप में से किसी को नहीं मालूम है ये, मैं चूँकि मेरा इस भूमि के प्रति बड़ा सहज प्रेम था, स्नेह था, श्रद्धा थी, अगाध श्रद्धा थी, इस बात को गुरुदेव भी जानते थे तो उन्होंने बार बार ये कहा कि बेटा वही काम अब होने जा रहा है। कितना विलक्षण सौभाग्य है कि 150-125 साल के बाद करीब करीब लगभग वही काम फिर से होने जा रहा है जिस काम को आज से करीब करीब 1836 से लेकर 1888 तक की अपनी लौकिक लीला के दौरान रामकृष्ण परमहंस ने किया और उनके शिष्य श्री स्वामी विवेकानंद और अन्य 12 साथियों ने किया, लगभग वही काम। मित्रों, समय अपने आप को दोहराता है, बार बार रिपीट करता है,
क्यों? याद दिलाने के लिए कि परिवर्तन होना है। ये हमारा देश जो है ये एक विशेष कुंडली से बन के आया है। इसकी एक ज्योतिर्विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो एक विशेष कुंडली है और उसके हिसाब से इस देश का भविष्य और भाग्य भगवान ने लिखा है। बाकी देशों का तो मुझे मालूम नहीं, पर भारतवर्ष का भाग्य भगवान के हाथों से लिखा हुआ है और वो चाहता है, भगवान चाहता है कि ये सारे विश्व का मार्गदर्शन करें। हम लोग यदि इस बात को समझ लें अच्छी तरह से तो हमको पता चलेगा कि हमको यहाँ जन्म क्यों मिला। केवल इसी वजह से जन्म मिला कि हम कुछ विशेष हैं, सौभाग्यशाली हैं। वास्तव में कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि आप विदेश में इतने सारे देशों में गए, आप अगले जन्म के लिए आपको मौका दिया जाएगा कि अगले जन्म में कहाँ जन्म लेना चाहेंगे। मैंने कहा हर बार जन्म जब मिलेगा तो मैं यही कहूँगा कि मैं भारत में जन्मूँ और भारत में मरूँ। इससे सुंदर कोई देश नहीं, इससे बढ़िया कोई देश नहीं। सारे जाम, सारे के सारे हड़ताल, सारे के सारे जितने भी यहाँ की गंदगी है, उसके अलावा भी अगर कुछ है यहाँ पर तो वह है आध्यात्मिकता। और जिस क्षण से हम गुजर रहे हैं वह है परिवर्तन के महान क्षण, परिवर्तन के महान क्षण। बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है, बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। ऐसा एक परिवर्तन का क्षण हमारे गीताकार श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ उनको आभास हुआ कि मेरा जो मित्र है, मेरा सखा है, मेरा शिष्य है, शिष्य तो बना नहीं था तब तक, परंतु मेरा जो दोस्त है, मेरा जो मौसेरा भाई है, मेरा जो फुफेरा भाई है, ये सामने खड़ा हुआ है और असमंजस में खड़ा हुआ है और ये समझ नहीं पा रहा है, अपनी ड्यूटी को नहीं समझ पा रहा है। जब हम लोगों को ये लगता है कि इधर जाएं कि इधर जाएं तो हम चौराहे पे खड़े हो जाते हैं। असमंजस, असमंजस को कहते हैं महापोह, असमंजस। क्या करें क्या करें हमको समझ में नहीं आता, क्या करें समझ में नहीं आता। आपकी कलकत्ता की भाषा में कहते हैं ना कि मोटा मोटी इस दिशा में काम करो, मोटा मोटी इस दिशा में काम करो, कहीं ना कहीं तो चले जाएंगे। ऐसा नहीं, सही दिशा क्या है, सही दिशा कौन सी है, सही दिशा किधर जाना है और कहाँ काम करना है, कहाँ क्या करना है, ये अर्जुन अपने सामने समझ नहीं पा रहा था कि मुझे मौका मिला है और महाभारत को लीड करने का मौका मिला है, महाभारत के माध्यम से नए भारत का निर्माण करने का मौका मिला है। तो वो असमंजस में पड़ जाता है और कहता है क्या फ़ायदा इनको मारने से, सबको मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे कुलगुरु हैं और मैं जिनको पूजा करता हूँ ऐसे मेरे दादाजी हैं, भीष्म पितामह, मैं नहीं करूँगा। न योत्स इति मे मन्ये, मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मैं मानता हूँ। न योत्स, नहीं योत्स है ना युद्ध करूँगा, मैं योत्स युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मैं मानता हूँ। और तर्क देता है, तरह तरह के तर्क देता है उसके लिए, अवसाद में चला जाता है, निराशा में चला जाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलम विदम विषमे समुपस्थितम अनारयुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। कुतस्त्वा, कहाँ से तेरे मन में ये मोह आ गया, असमय का मोह। तो असमय का मोह कभी नहीं आना चाहिए। हाँ, जो समय पर मोह आता है, जैसे माँ के प्रति प्रेम है, माँ के प्रति मोह है और माँ के चरण स्पर्श करके हम उसका आज्ञा लेके काम करते हैं, ये माँ के प्रति समय का मोह। पर असमय का मोह जिस समय समय नहीं है, जिस समय तुम्हें युद्ध करना चाहिए, उस समय तुम युद्ध करने के बजाय तुम अपनी कायरता दिखा रहे हो और कहते मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं तो भिक्षा मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं भिक्षा मांगने के लिए तैयार हूँ और मुझे अगर कुछ हम पाँच भाइयों के लिए पाँच गाँव दे दें तो हम पाँच गाँव एक सुई की नोक के बराबर भी मिल जाए तो चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। भगवान कृष्ण गुस्सा करते हैं, ग्लैब्यम मा सकम पार्थ, इसी श्लोक के बाद दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, ग्लैब्यम मा सकम पार्थ न एतत्त्व उपद्यते। हे अर्जुन, तुझे क्लीवता शोभा नहीं देती है, नपुंसकता तुझे शोभा नहीं देती है। पार्थ, हे अर्जुन, प्रथा के पुत्र, कुंती के पुत्र, हे पार्थ, तुम्हें शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता। मित्रों, ये शब्द बड़ा सुंदर है, न एतत्त्व उपद्यते, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हम लोग अगर कोई काम कर रहे हैं जो हम मनुष्य होने के नाते करना चाहिए तो अच्छा हमें शोभा देता है।
अगर हम किसी की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हमें शोभा देता है। हम इस तपती हुई धरती को ठंडा करने के लिए पेड़ लगा रहे हैं तो हमें शोभा देता है। यदि हम उसी पेड़ को काट रहे हैं, उसी पेड़ को उखाड़ रहे हैं, हम नदी में प्रदूषण फैला रहे हैं, सड़क पर हम गंदगी फैला रहे हैं, तो ये हमें शोभा नहीं देता। ये सारी की सारी बातें उस कैटेगरी में आती हैं। न एतत्त्वई, न यने नहीं, एतद यने यह, त्वई तुझे उपपद्यते शोभा देता, न तुझे शोभा नहीं देता। तुझे शोभा देने वाला काम करना चाहिए, क्योंकि तू राजकुमार है, भगवान का राजकुमार है, तू चुना हुआ आदमी है। यू हैव बीन चूजन वन, यू आर सेलेक्टेड वन। और चूजन वन को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। जो चूजन वन होते हैं वो गिने चुने ही होते हैं। भगवान ईसा ने कहा, एक बात कही है कि ऑल आर चूजन बट फ्यू आर इन्वाइटेड। चूज तो सबको कर लिया गया है, पर कुछ ही को निमंत्रण भेजा गया। हमारे यहाँ जितने लोग आए हैं, सब विभिन्न गाड़ियों से बैठ के दूर दूर से ढेर सारे लोग आए हों, चूज तो पूरे पूरे बंगाल को कर लिया गया था, परंतु उसमें से इन्वाइट तो आपको ही किया गया है, आप ही आए हैं। हम आए तो हमसे मिलने आए हैं, हमको सुनने आए हैं, हमको देखने आए हैं, या गुरुदेव का कोई संदेश सुनने के लिए आए। तो उन्होंने कहा, ना तत्व उपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, शुद्रता को छोड़, हृदय की दुर्बलता को छोड़। त्यक्तो तिष्ठ परंतप, त्यक्तो यानी छोड़, उत्तिष्ठ खड़ा हो जा परंतप। मित्रों, ये संदेश है, ये संदेश है। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ यानी खड़े हो जा। जब भी आर्मी में संदेश जाता है तो सीधा जाता है उत्तिष्ठ। कश्मीर में पाकिस्तान की सेना तुम्हारे पर आक्रमण कर रही है, आतंकवादी तुम पर हमला कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं तुम्हारे ऊपर, और तुम बैठे हुए हो अपने घरों में, अपने कंदराओं में, अपने बंकर्स में। नहीं, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। नहीं, उठो उठो उठो, चले जाओ। हमारी सेना हमेशा खड़ी रहती है। हमारी सेना का ये सबसे बड़ा सौभाग्य, हम इतने अच्छे अच्छे सैनिकों को, जिसमें कि बंगाल सेपर्स भी है, महार रेजिमेंट भी है, पंजाब के हमारे लड़ाके भी हैं, और उसके बाद हमारे पास राजपूताना रेजिमेंट है, हमारे गढ़वाल रेजिमेंट है, कुमारी रेजिमेंट। हमारी सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है, सबसे बड़ी सेना, नंबर टू पे आती है पूरे देश में संख्या की दृष्टि से। पर हमारी सेना के लड़ाके जो हैं, वो जब भी युद्ध होगा वो खड़े मिलेंगे, आपको खड़े मिलेंगे, भले ही उनको 14 मिनट तक 16 मिनट तक खड़ा रहने का मौका मिला हो, खड़े रहने, जब तक आदेश नहीं मिलेगा बैठ जाओ, नहीं वो खड़े रहेंगे। क्यों? उनका बॉस आदेश देके गया, खड़े रहो यहाँ, तुमको इसकी चौकीदारी करनी है। तो मुझे एक कहानी याद आती है, पोम्पई का बंदा एक था, इटली के पास एक शहर है पोम्पई, वहाँ भूकंप आया तो भूकंप में सब कुछ तहस नहस हो गया, उसके खंडहर बन गए पूरे के पूरे। खंडहर बनने के बाद जब उसको खोदा गया बाद में, तो लोगों ने देखा कि वहाँ पर एक सैनिक जो है वो सावधान की मुद्रा में खड़ा है, सावधान की मुद्रा में खड़ा है, वो यथावत वैसा के वैसे ही पाया गया उसको खुदाई में। उन्होंने कहा, भाई ये क्यों नहीं गया, सब लोग भाग रहे थे। अभी फ्लोरिडा में तूफान आया है, ह्यूस्टन में तूफान आया, पानी का भयंकर कुछ कहर सा बरस रहा है अमेरिका के ऊपर, तो उसमें उन्होंने कहा, ये क्यों नहीं भागा, जब सब भाग गए थे ये क्यों नहीं भागा। पता चला उस सैनिक को वहाँ खड़ा रहने को कहा गया था, उस सैनिक को कहा गया था यहीं खड़े रहना और कहीं मत जाना, वो वहीं खड़ा रहा, उत्तिष्ठ खड़ा रहे, वहीं रहे, वहीं वहीं रहे, और इधर उधर नहीं जाना कहीं। उसने अपना ड्यूटी पूरी निभाई, और उसकी ड्यूटी के लिए उसकी डेड बॉडी को मढ़ दिया गया एक फ्रेम में, और उसका सम्मान किया गया कि इस आदमी का सम्मान करते हैं हम, इसकी ड्यूटी के लिए, ड्यूटी का पालन किया। कर्तव्य का जो पालन करता है वो हमेशा उसका उसकी उसकी सराहना होती है, उसकी पूजा होती है। मित्रों, बार बार कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं, त्यक्तो तिष्ठ परंतु, उत्तिष्ठ खड़े हो जा। मित्रों, अर्जुन जैसी मनस्थिति हमारी भी है आज, लगभग लगभग वैसी ही। हम परिवर्तन की प्रक्रिया को देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं, चारों तरफ बदलाव आ रहा है, तेजी से आ रहा है, और बहुत तेजी से जमाना बदल रहा है, परंतु हम लोग बदलते नहीं, हम लोग नहीं बदलते। घिसा पिटा जीवन जीते हैं हम लोग, नहीं बदलते, हम घिसा पिटा जीवन जीते हैं, वही जीवन जी रहे हैं जैसा और रोज जीते थे।
यदि हम औरों से अलग हटके जीवन जिए तो धारा के विपरीत चलने का साहस करें तो मछली नदी पार करती हुई, नदी की धारा को उल्टा चीरती हुई, गंगा की धारा को उल्टा चीरती हुई, ऐसा पाया गया। कुछ मछलियों को टैग किया गया रेडियो आइसोटोप के द्वारा और उसके बाद उनको ट्रेस किया गया कहाँ गई। तो हरिद्वार से छोड़ी गई मछली उनको वहाँ मिली, ऊपर अलकनंदा की नदी में और भागीरथी की नदी में, और वहाँ मिली, वो धारा को चीरती हुई चली गई ऊपर। जबकि इतना आसान नहीं होता है, सावधान ये वही कर सकता है जिसने कि सही अर्थों में जीवन में आदर्शवादिता को अपनाया। आदर्शवादी सत्साहस अपनाने वाले हमेशा धारा को चीर के चलते हैं, उल्टा चलते हैं। मित्रों, बंगाल एक ऐसा प्रांत है पूरे देश का जिस पर मुझे गर्व है, बहुत गर्व है। इस बात का गर्व है कि यहाँ के लोग हमेशा धारा को चीर कर चलते हैं उल्टा, चाहे श्री अरविंद हो, या राज बिहारी बोस हो, चाहे वो जगदीश चंद्र बसु हो, चाहे हमारे स्वामी विवेकानंद हो, और चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो, इन सब लोगों ने धारा को चीर करके साहस किया है। और इन लोगों ने भारत का नाम ऊंचा किया है केवल इसी वजह से कि यहाँ रह करके उन्होंने वो काम करके दिखाया उस ज़माने में, जबकि अंग्रेज़ों के ज़माने में ये काम करना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। यही राजधानी थी, यही कोलकाता उस ज़माने में राजधानी थी। और राजधानी के अलावा अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से यहाँ की संस्कृति को भी ध्वस्त करने की कोशिश की थी, राय बहादुर बना दिए ढेर सारे लोगों को, लोगों की कल्चर चेंज करने की कोशिश की, लोगों की सभ्यता को, संस्कृति को बदलने की कोशिश की। इसके बावजूद भी लोग बाग बदले नहीं, लोगों ने कहा नहीं, हमें अपने देश के लिए जीना है। यहीं से खुदीराम बोस निकले जो फांसी पर चढ़ गए, फांसी लगी उनको दिल्ली में, और गए थे कलकत्ता से, यहीं के रहने वाले। क्यों गए? क्योंकि उनको अंदर से आग लग रही थी, उनको इस गुलाम देश में हम रहेंगे, गुलाम देश में रहते रहते हमारा जीवन वैसे होता चला जाएगा, हमें किसी हालत में आज़ादी का अलग जगाना है। भगत सिंह लाहौर से आए, आज़ाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस यहीं से निकल के गए, और उन्होंने भी इसी तरह से क्रांति की। मित्रों, इन लोगों ने जो नमूना रखा वो नमूना अब आज बंगाल के लोगों को रखना है। बंगाल से मेरा मतलब केवल बंगालियों से नहीं है, बंगाल में रहने वाले सभी भारतीयों से है, बंगाल में रहने वाले सभी भारतीयों से जो युग धर्म की पुकार को सुन रहे हैं, और युग धर्म की पुकार को सुनने के अलावा केवल एक काम और कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि इस समय परम पूज्य गुरुदेव के एक अनुचर बनकर, एक श्री कृष्ण अगर अर्जुन गुरुदेव हैं तो अर्जुन उनके वो बनकर कुछ काम करने का साहस कर रहे हैं। क्या काम? छोटा सा ही काम, उनके साहित्य का विस्तार, उनकी पत्रिका का विस्तार, अखंड ज्योति पत्रिका बंगाली, उनके द्वारा दिए गए आंदोलनों को जन जन तक फैलाना, ढेर सारे रचनात्मक कार्यक्रम गुरुदेव ने दिए, उन सबको जन जन तक पहुँचाना। मित्रों, मुझे याद आता है परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा कही गई बात कि बंगाल की भूमि से जो आंदोलन उठेगा वो आंदोलन देखते देखते पूरे देश को ढक लेगा, पूरे देश में फैल जाएगा बंगाल की भूमि से, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है इतिहास में और आगे भी ऐसा होने वाला है। पहले इतिहास में तक कब हुआ है आपको मालूम होगा कि 1857 में जो एक युद्ध हुआ था, जिसमें कि जिसको स्वतंत्रता संग्राम के पहले का युद्ध कहा जाता है, सबसे पहला युद्ध 1857 का वो वाला था जिसमें हमारे देश के अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवाई, अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवाई, और झांसी की रानी से लेकर के तात्या टोपे से लेकर के न जाने कितने व्यक्ति उसमें अपने शरीर की कुर्बानी दिए। न केवल कुर्बानी दी उन्होंने, बल्कि उसके बाद उसके 7 साल के अंदर महापुरुष पैदा होना शुरू हो गए। 7-8 साल के अंदर स्वामी विवेकानंद, उसके थोड़े दिन 2-3 साल के अंदर श्री अरविंद घोष, उसके बाद महात्मा गांधी, उसके बाद शरद चंद्र चटर्जी, ये सारे के सारे सन 1863 से लेकर और पैदा होते चले गए। प्रेजेंट कौन था? रामकृष्ण परमहंस प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, और रामकृष्ण परमहंस की उपस्थिति की वजह से ये ऊर्जा बनती चली गई और ये ऊर्जा निकलती चली गई। सुभाष चंद्र बोस आए, राज बिहारी बोस आए, एक
उपन्यास लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा, और उसके द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन पैदा हुआ। ये सारी इस भूमि में हो चुका है पूरा। पहले युद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि युद्ध के बजाय हमें ये सोचना है कि जो सबसे बड़ा युद्ध इस समय जो जरूरी है वो है वैचारिक युद्ध, थॉट वॉर, विचारों का युद्ध। विचार ये चाहते हैं, विचार ये कहते हैं कि हमें भोगवादी जीवन जीना चाहिए, विचार ये कहते हैं कि हमें खाने पीने का मस्ती का भरा जीवन जीना चाहिए। नहीं, विचार क्या कहते हैं ये नहीं, समय क्या कहता है। समय ये कहता है कि हमें जनता की सेवा करने के लिए अपने आप को खपा देना चाहिए। समय ये कहता है कि आपको अपने आप को पूरी तरह से भगवान के काम के लिए लगा देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की भूमि, बंगाल की भूमि, निमाई जदाई की भूमि, उस भूमि की पुकार ये है, बार बार ये पुकार है कि हमें अपने जीवन को भगवान के काम के लिए खपा देना चाहिए। मित्रों, मैं 1963 में स्वामी विवेकानंद का पहला शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था, तब मैं इंदौर के विवेकानंद आश्रम में, जो रामकृष्ण मिशन का आश्रम है, उसमें वहाँ मौजूद था, और मैंने भी वहाँ एक अपनी छोटी सी आहुति चढ़ाई थी। मैंने एक साहित्य खरीदा था स्वामी विवेकानंद स्मृति में, जो निकली थी किताबें, उन्हें किताबें ली थी, और उसके लिए मैंने अपनी स्कॉलरशिप जो थी उसमें से पैसे बचा बचा करके मैंने बिना पिताजी को बताए लिए थे पैसे। मैंने परम पूज्य गुरुदेव को लिखा कि परम पूज्य गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद जो काम करना चाहते थे वो काम बाकी बचा है अभी। गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल सही कहते हो, वो खुद लिख गए हैं, मेरा काम अभी बहुत सारा बाकी है जो अब होना है। उस काम को करने के लिए युग निर्माण मिशन आया है, उसी काम को करने के लिए आया है, और उस काम को करने के लिए जब आया है तो तुम्हें भी उसी में लगना पड़ेगा। मैंने 1863 से लेके 1873 तक अपने आप को पूरी तरह से 1963 से लेके 1973 तक अपने आप को पूरी तरह से गुरुदेव के काम में लगाने की कोशिश की। 10 साल का था मैं, 12 साल का था, 12 साल से लेके 22 साल की उम्र तक, और तब मैंने पहली बार गुरुदेव को दर्शन किए 1973 में। तब तक मैं पत्राचार करता था। 1973 में मुझे गुरुदेव के मथुरा में दर्शन किए, और मथुरा में दर्शन करने के बाद जब उनका संदेश सुना कि हमें ये समय खास है, इस विचार परिवर्तन की प्रक्रिया में हमें विचार क्रांति के महायज्ञ में भागीदारी करनी है, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जा रहा था। उन्होंने कहा, नहीं तुम जाओ ना, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने MBBS में एडमिशन लिया, MD किया, दौरान पूरा मार्गदर्शन गुरुदेव का रहा पूरा, परंतु इन सब के साथ साथ मैं अखंड ज्योति पढ़ता रहा, अखंड ज्योति के लिए साहित्य जुटाता रहा, अखंड ज्योति के लिए गुरुदेव को लिख लिख के, बालक की तरह से एक बच्चा लिख लिख के भेजता है ना, ऐसे में अपने पैसेजेस, अपने राइटिंग्स, प्रोजेस, इसे मैं लिख के भेजता था गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, तुम लिखते रहो लिखते रहो। उस लिखने के कारण क्या हुआ कि मेरा अभ्यास बढ़ता चला गया। मैंने उसके लिए मैंने पढ़ा खूब, और पढ़ने के साथ साथ मैंने कई महापुरुषों का साहित्य पढ़ा, विवेकानंद का सारा साहित्य पढ़ डाला पूरा का पूरा। इससे मुझे जो जीवन में एक सबसे बड़ी जो चीज़ मिली, पॉजिटिविटी मिली, पॉजिटिविटी, विधेयात्मकता। हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं सोचो। बस ये जो पॉजिटिविटी का जो चिंतन था, इसके साथ साथ गुरुदेव का एक और दिशा मिलती चली गई। गुरुदेव की दिशा ये कि अब आगे चल के तुमको भगवान का काम करना है। भगवान का काम करना है तो ये डॉक्टर बन के भी भगवान का काम कर सकते हैं। विदेश जाने की बात सोची, विदेश के लिए मैंने परीक्षा पास कर ली। मैं यहीं आया था, ये सिंगापुर आया था, और सिंगापुर में परीक्षा पास की मैंने 1974 में। अमेरिका के लिए मैंने क्वालिफाई कर लिया, अमेरिका के लिए मेरे को एग्ज़ाम के लिए नौकरी मिल गई मुझे एग्ज़ाम में पास होने के बाद। परंतु उसके बावजूद भी गुरुदेव ने मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा, नहीं तुमको यहीं रह के काम करना है। बाद में गुरुदेव ने शांतिकुंज बुला लिया, मैं शांतिकुंज आ गया 1977। मित्रों, ये जो होता है, मैंने कहा ना कि भगवान ने मनुष्य इस राष्ट्र का भाग्य अपने हाथ से लिखा है, इस राष्ट्र का भाग्य अपने हाथ से लिखा है। पर आप में से जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं,
आप सबका भाग्य परम पूज्य गुरुदेव ने अपने हाथ से लिखा है और आपको ध्यान रखना है कि आपका भविष्य उनके हाथों सुरक्षित है। परम पूज्य गुरुदेव ने हरेक के जीवन में बदलाव ला के दिखाया है, बदलाव आया है, सोच बदली है, आर्थिक दृष्टि से बड़े मजबूत हुए हैं, सशक्त हुए हैं, कहीं कोई कमी है वो भी ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। विश्वास मजबूत हो, विश्वास मजबूत हो कि वो हैं तो हम बराबर अपना भरोसा बनाए रखेंगे। आत्मविश्वास में इतनी सृजनात्मक शक्ति है, आत्मविश्वास इतना ज़्यादा पावरफुल बनाता है आदमी को कि उसके अंदर जीवन में नई ताकत आ जाती है, एक नई ताकत आ जाती है। और आप नेगेटिव सोचना चालू करिए तो आप बिल्कुल, आप मान के चलिए उस दिन से आपका इरोजन, आपका क्षरण चालू हो जाएगा, आप गिरना चालू हो जाएंगे। तो इसलिए इरोजन के बजाय डेवलपमेंट, हमने विकास, हम अपना विकास करेंगे। विकास कैसे करेंगे? हम विकास करेंगे निरंतर गुरुदेव के साहित्य का स्वाध्याय करके, निरंतर निरंतर। मैंने एक ही काम किया है, स्वाध्याय बहुत किया है, मैंने लेखन किया है गुरुदेव के साहित्य को, मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसी अखंड ज्योति को मैंने लिखा जिस अखंड ज्योति को गुरुदेव ने लिखा था, परंतु उसके बाद मैंने खुद लिखना चालू किया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं लिखना चालू कर दूंगा, पर गुरुदेव ने कहा मुझे कि मैं तुमसे लिखवाऊंगा, तो अखंड ज्योति लिखना चालू कर दी और आज मैं अखंड ज्योति का संपादक हूँ। केवल इसी वजह से कि गुरुदेव ने अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रखा। गुरुदेव आज आप सबके लिए भी तैयार हैं सामने कि आपके अंदर चिंतन हमेशा पॉजिटिव बना रहे, इसके लिए मैं हमेशा मौजूद हूँ आपके बीच में। कभी भी किसी को याद नहीं, याद आए तो मेरे को याद कर लेना, बस मेरे को मतलब गुरुदेव को याद कर लेना। गुरुदेव को याद करते ही आपको सारा के सारा नेगेटिविटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। मित्रों, ये असमंजस के क्षण जब भी आते हैं ये हमको गिरा देते हैं। असमंजस के क्षणों से निकलना और समय को पहचानना, समय को पहचानना, समय को पहचानना बहुत ज़रूरी है। समय जो आता है, खास समय आता है, ग्रेट मोमेंट्स ऑफ चेंज, परिवर्तन के महान क्षण, ये जो चेंजेस हैं जो अभी हो रहे हैं धरती पे, बड़े तेज़ी से हो रहे हैं, अभी आपको अंदाज नहीं है। वंदनीय माता जी के 9 वर्षीय सृजन अनुष्ठान की हमने एक प्रक्रिया चालू की है इस गुरु पूर्णिमा से, 9 जुलाई से, और ये समाप्त होगा 22 जुलाई 2026 में, जिस समय वंदनीय माता जी की शताब्दी मनाई जा रही होगी। तो मित्रों, ये जो 9 वर्षीय अनुष्ठान है, होंगे 10 लाख होंगे, परंतु आपके पास तो पूरे देश की कुंजी है, आपके पास चाबी है, आप तो ताला खोल देते हो उसके पूरे तरह से। आप तो केवल गायत्री से नहीं, गायत्री यज्ञ सत्कर्म संस्कार सब कुछ जितने प्रकार के कार्य हो सकते हैं वो गायत्री परिवार के पास है। तो गुरुदेव आपको इतनी बहुमूल्य चीज़ दे गए, ऐसी बहुमूल्य चीज़, कीमती चीज़ कोई पिता अपने पुत्र को या पुत्री को नहीं देता जैसा गुरुदेव दे गए हमको। और वो दे के गए हैं और ये कह के गए कि समय बदलने वाला है, समय बदलने वाला है, और वो समय जो बदलने वाला है वो यही है 1917 से लेकर 2026 तक का जो समय है, बड़ा बहुमूल्य समय है, ये बड़ा कीमती समय है। समय को हमें समझना है और समझने के बाद हमें बदलाव की ओर चलना है, हमें बदलने की ओर चलना है। हम अपने आप को बदलें और हम कम से कम एक नहीं तो 10 आदमी को तो बदलने की कोशिश करें, जोड़ने की कोशिश करें इसके साथ। और जोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ेंगे तो देखते देखते हुए परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा। मित्रों, ये जो मिशन है गायत्री परिवार का, ये वास्तव में बहुत ही विलक्षण मिशन है, बहुत ही विलक्षण योजना है, विलक्षण अभियान है। और उसी के आधार पर शांतिगुण से लेकर आंवलखेड़ा मथुरा से लेकर मथुरा के अखंड ज्योति संस्थान से लेकर सारा के सारा तंत्र खड़ा हुआ है। और उसी के माध्यम से 3 संस्थान आपके कलकत्ता में हैं। यहाँ पर मैं आया था, करीब सबसे पहली बार जब मैं आया था 1989
89-90 में आया था, और विश्वनाथ अग्रवाल जी भाई साहब हैं अपने, उनके घर रुका था मैं यहीं हावड़ा के, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपसे उससे थोड़ी दूर पे ही होगा शायद यहाँ से, और यहीं रुका था मैंने। 4-5-6 लेक्चर भी दिए थे विभिन्न समाजों में, विभिन्न मंदिरों में, विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में, और फिर मैं यहाँ से सीधा हरिद्वार चला गया था। वो मेरी पहली मुलाकात थी कलकत्ता वासियों से गायत्री परिवार के कार्यकर्ता के रूप में। बाकी तो इसके पहले मैं कई बार आ चुका हूँ, मैं जैसे बता चुका आपको, पर वास्तव में सही अर्थों में ये जो भूमि है बंग भूमि, इस बंग भूमि में कुछ खास बात है। लोगों ने इस बंग भूमि की मिट्टी माथे से लगाई और फांसी पर चढ़ गए। चढ़ी चढ़ी हरीबे फांसी, चढ़ी चढ़ी करीबे फांसी। वो हमारे सुखदेव का लिखा हुआ है, ये खुदीराम बोस का लिखा हुआ है, और ये वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो हमारा जो 1929 का जो इतिहास है, 1930-31 का, जिस समय गांधी जी का आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ गया था, लोगों को लग रहा था आज़ादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस समय आज़ाद और भगत सिंह में संवाद हुआ आपस में, और संवाद होने के बाद उन्होंने कहा कि हम तो बम फोड़ेंगे असेंबली में, असेंबली है ना पार्लियामेंट, उस जमाने में असेंबली थी, वो 1912 में शिफ्ट हुई थी राजधानी, और जो आज पार्लियामेंट है उस समय असेंबली कहलाती थी, हम तो बम फोड़ेंगे। तो बम क्यों फोड़ोगे, क्यों गिरफ्तारी दोगे, क्यों अपने आप को मारते हो, तुम यंग हो, तुम 22-23 साल के हो, क्यों मारोगे, आज़ाद कहते हैं। बोले इसलिए कि अगर हम नहीं मरेंगे तो ये जनता जागेगी नहीं, जनता हल्ला होगा, पूरे देश में हल्ला होगा। मित्रों जैसा भगत सिंह ने कहा था, जैसा खुदीराम ने कहा था, वैसा ही हुआ, और वही की वही बात प्रक्रिया हुई कि सारे देश में एक आंदोलन का ज्वार घूमा। 1931 में उनको फांसी लगी, और फांसी लगने के तुरंत बाद पूरे देश में एक ऐसा ज्वार आया कि 1941 में 42 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस भी उस समय गर्म दल बना करके एक पूरी तरह सक्रिय थे, और फिर आज़ाद हिंद फौज बना के चले गए वो यहाँ से। मित्रों ये जो हमारे देश की आज़ादी का जो पहला दौर था वो समाप्त हो गया है, अब दूसरा दौर है। ये लड़ाई का युद्ध नहीं, ये लड़ाई का दौर नहीं है, ये है लोगों को बदलने का दौर, और लोगों को बदलने का दौर आध्यात्मिक दृष्टि से लोगों को बदलने का, चिंतन बदलने का, श्रद्धा उनके रोम रोम में कण कण में भर देने का, श्रद्धा आदर्शों के प्रति, सत्प्रवृत्तियों के प्रति और श्रेष्ठताओं के प्रति। तो ये जो अपने यहाँ पूरा के पूरा जो अपना सेंटर है, ये कोलकाता जो है, ये एक प्रकार से आध्यात्मिक केंद्र बनने जा रहा है आने वाले दिनों में, और इस आध्यात्मिक केंद्र का एक बहुत बड़ा स्वरूप होगा जब आप इसको आज से 5 साल बाद मेरी आंखों से जो मैं देख रहा हूँ उसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में बहुत बड़ा काम होगा। इस भूमि से ही उभर उभर के आएंगे नए नए लोग, इस भूमि से ही उभर उभर के आएंगे संकल्प, इस भूमि से उभर उभर के आएंगे और भी नए नए महत्वपूर्ण, क्योंकि इस भूमि में सिंचाई बहुत हुई है, इस भूमि में इतना ज़्यादा सिंचन हुआ है, रक्त का भी सिंचन हुआ, भावनाओं का भी सिंचन हुआ है, और इस भूमि में सबसे ज़्यादा जो दिया गया है वो दी गई है श्रद्धा और कर्तृत्व, बलदेव बलवेदी पर चढ़ जाने का साहस जिस जो था वो यहाँ दिया गया था। इसलिए इस भूमि को याद करना विशेष रूप से, परम पूज्य गुरुदेव कई बार आए कोलकाता, परम पूज्य गुरुदेव अकेले भी आए, बिना किसी को बताए भी आए, और टोली में भी अपने साथ अपने साथियों को लेके भी आए, यहाँ भी आ चुके हैं। परंतु हम लोग ये मान करके चलें कि ये भूमि परम पूज्य गुरुदेव के पिछले जन्म की भूमि है, रामकृष्ण परमहंस के जन्म के समय जो परिस्थितियाँ थीं बिल्कुल उसी का एक परिवर्धित संस्करण, एक मॉडिफाइड एडिशन अब निकल के आ रहा है, और वो आ रहा है, और वो कह रहा है आपसे बदलाव आना है, बदलाव आ रहा है, तेजी से परिवर्तन। आंखें खोलो, नींद से जागो, और नींद से जाग करके आंखें खोल करके पहचानने कोशिश करो कि क्या तुम उसको महसूस कर सकते हो बदलाव को। सुबह सुबह होती है, भोर हो जाती है तो हमें चिड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, चहचहाट सुनाई पड़ती है, जब तक सूरज ऊपर आता है तब तो बहुत देर हो चुकी होती है, उसके पहले वो सुन लेते हैं, पक्षी सुन लेते हैं, उसके पहले ये जो प्रकृति है प्रकृति सुन लेती है, प्रकृति में
प्रफुल्लता दिखाई पड़ती है, रात भर का अंधेरा खत्म हो जाता है और प्रफुल्लता दिखाई पड़ती है, जड़ता समाप्त हो जाती है, तमस समाप्त हो जाता है और सात्विकता आ जाती है पूरी पूरी, सुबह का प्रातःकाल का समय, लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, मंदिरों की घंटियाँ सुनाई पड़ती हैं और उसके बाद ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि अब सवेरा होने वाला है। ये जो सवेरा आने वाला समय है, ये यही समय है, सवेरा आ चुका है और सवेरा आने के साथ साथ बहुत तेज़ी से अब बदलाव आएगा और सूरज ऊपर की ओर उठेगा और ये सूर्य गायत्री परिवार का होगा। गायत्री परिवार पूरा के पूरा अच्छी तरह से उभरता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, ऐसा लगेगा आपको कि देखते देखते परिवर्तन चालू हो गया है। मित्रों, ये आपको और हम सबको बैठ कर तय करना है, इसमें हमारी भूमिका क्या हो, हम लोगों की अपनी भूमिका क्या हो, हम लोगों को अपने अंदर सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है देने को। हमारे पास कुछ नहीं देने, शरीर है भगवान का है, भगवान ने शरीर दे दिया पर शरीर के साथ चेतना भी दी, चेतना भगवान की नहीं है, चेतना भगवान की दी हुई है पर वो आपकी है और उस चेतना के भरोसे ही आपका ये काय कलेवर चल रहा है पूरा का पूरा। तो इस चेतना को, इस कॉन्शियसनेस को आप कितना ज़्यादा ऊंचा उठा सकते हैं, साधना के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा, विभिन्न प्रकार से आध्यात्मिक उपचारों के द्वारा, और इसको ऊंचा उठा करके आप कितना ऊंचाई पर ला सकते हैं ताकि आपकी भी भूमिका महत्वपूर्ण हो सके। आप साधनात्मक पुरुषार्थ में भागीदारी करें, आप विभिन्न प्रकार के जो यहाँ प्रक्रियाएं चलती रहती हैं उनमें अपने आप को जोड़ें और जोड़ने के साथ साथ कोशिश ये करें कि क्या हम इसमें कुछ योगदान दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, हम जोड़ना चालू करें लोगों को जोड़ें। एक सबसे बड़ा अभियान जो है हमको चालू करना पड़ेगा, नए व्यक्ति जोड़ो अभियान, नए व्यक्तियों को जोड़ो। नए व्यक्तियों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, महत्व बताना पड़ेगा, समय का महत्व, समय की गरिमा। और इस समय सूक्ष्म जगत में ऐसे क्रियाकलाप चल रहे हैं, आदर्श जगत इतना ज़्यादा सक्रिय है कि आदर्श जगत अपनी तरफ से काम कर रहा है, आदर्श जगत का चेतना प्रवाह अपनी जगह काम कर रहा है। जो इनविजिबल वर्ल्ड है जिसको आपने नहीं देखा पर भगवान देख सकता है, जो दिव्य आत्माएं देख सकती हैं, ऋषि मुनि देख सकते हैं, वो देखते हैं कि वास्तव में इस सूक्ष्म जगत में जो भी कुछ हो रहा है बहुत विलक्षण हो रहा है। और जब वो विलक्षण हो रहा है तो उस विलक्षण में कुछ कर दिखाने के आपके अंदर सामर्थ्य पैदा होना चाहिए। क्या कर दिखाना है, आप अपना समय दीजिए, आप अपना पुरुषार्थ दीजिए, आप अपनी प्रतिभा जो है आपके पास भगवान के काम के लिए रखिए, उस प्रतिभा को उस काम में लगाइए। कुछ भी हो, आप रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, रिटायरमेंट होने वाला है, रिटायरमेंट के बाद का जीवन आप भगवान के लिए दे दीजिए। रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग अपना जीवन बिता देते हैं नाती पोतों के साथ, क्या करोगे, ये तो पिछले जन्म में भी तुम्हारे साथ थे और हम हर जन्म में तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम नाती पोतों के साथ इस जन्म में तो कम से कम मत रहो, प्यार करो उनको, परंतु अपना समय कम से कम 4 से लेकर 6 घंटा रोज आप भगवान के काम के लिए निकलो घर से बाहर निकलो और जाके कुछ काम करके दिखाओ। कुछ बोलना भी सीखो, कुछ लोगों को गाइड करना सीखो, मार्गदर्शन देना सीखो, आप लोग प्रशिक्षण लो। आपके प्रशिक्षण के लिए हम यहाँ पे प्रशिक्षण का केंद्र बनाएंगे पूरा। यहाँ प्रशिक्षण के लिए हम लोग आना पड़ा तो हम लोग साल में 1 या 2 बार आएंगे नियमित रूप से, और भी हमारे और भी कार्यकर्ता यहाँ पे आते रहेंगे। पर भाषण अकेले से शिक्षण नहीं होता, शिक्षण जीवन से होता है। स्वम स्वम आचरण शिक्षेरण पृथिव्याम सर्व मानव, अपने आचरण से जो शिक्षण देते हैं वो पृथ्वी पर वही मानव जो है सर्वश्रेष्ठ मानव बनाते हैं। हमारी धरती पर जितने आचार्यगण हुए, हमारी संस्कृति में जितने महापुरुष हुए हैं, उन सबको केवल आचरण ने प्रभावित किया और किसी ने नहीं। आचरण के माध्यम से प्रभावित होने से ही लोग बदले हैं, ये तो नहीं बदलते लोग। यदि हम लोग देखना चाहते हैं कि आचरण कैसे बदलता है तो हम गुरुदेव को देखें। गुरुदेव के आचरण में हमने देखा सिंपल सी पर्सनैलिटी, बिल्कुल सिंपल सा जीवन और एक साधारण सा व्यक्तित्व, बिल्कुल धोती कुर्ते, खादी की धोती, खादी के कुर्ते पहनने वाला वो व्यक्ति कितने लोगों को बदल गया, करोड़ों लोगों के दिमागों को बदल गया, चिंतन को बदल गया। एक साधारण सी छोटी सी धोती पहनने वाला, आधी धोती पहनने वाला गांधी न जाने कितनों के दिमाग में ज्योति जला गया, आज़ादी की ज्योति चला गया। सादगी बहुत बड़ी चीज़ है, सादगी के आधार पर ही और आचरण में जो आपने जिया है उस आचरण में जो श्रेष्ठता है उसके साथ माध्यम से लोग प्रभावित होते हैं।
आप जैसे मैंने कहा ना कि आपने पीले कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छी बात है, इसका इसकी आन भी रखनी पड़ेगी, बान भी रखनी पड़ेगी, शान भी रखनी पड़ेगी। आन बान शान कैसे रखेंगे? आप इससे वही काम करेंगे, इस शरीर से वही काम करेंगे जो आपको और आपके गुरु को शोभा देता है। आप भगवान के काम के अलावा और कोई काम ना सोचें। बस आप सोचेंगे सभी तो अभी हमारे रिटायरमेंट का समय नहीं आया। रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये कह रहा हूँ कि हर पल हर क्षण आपके चिंतन में आपकी सोच में एक ही बात रहे बस, कि हमें जीवन जीना है तो गायत्री परिवार के लिए, युग निर्माण के लिए, युग परिवर्तन के लिए, और ये समय बार बार नहीं आने वाला, ये समय बार बार नहीं आने वाला, ये बार बार आएगा। जब आएगा अगली बार तो हम अगली बार देख लेंगे, अभी तुमको ये काम करना है, अपना काम करना है। आप कितना भी कर लो अपना काम, सब यहीं रह जाएगा, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। भौतिकवादी जीवन जीने दो तरह, दो दो संसार है, एक है संसार, एक है अध्यात्म, एक है व्यापार जिसमें अधिकार है, व्यापार है, अधिकार है और अहंकार, एक है अध्यात्म जिसमें भगवान है, भगवान है, ऊंचाई है, विनम्रता है, आदर्शवादिता है। ये दो चीज़ों में से आपको चुनना है कि हमें किधर जाना है। इधर चलेंगे तो ये रास्ता सही है, ये चलेंगे तो ये रास्ता गड़बड़ है। क्यों? इसमें आपको डूबने का डर है, इसमें आप गड़बड़ाने का डर है, फिर निकल नहीं पाएंगे। इस संसार सागर कहा जाता है, भव भव सागर, ये इससे आप उभर नहीं पाएंगे। तो निकलना है तो कैसे निकलें? आप भगवान के काम करते हुए, अच्छे काम करते हुए निकलें, श्रेष्ठ कामों को करते हुए, आचरण में अच्छे कर्तव्यों को करते हुए आप निकलें। तो इसके लिए क्या करें? गुरुदेव के विचारों का जन जन तक फैलाएं, विस्तार करें। गुरुदेव ने कहा है, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, मुझे व्यक्ति मत मानो, मुझे पर्सनालिटी के रूप में मत मानो, मुझे विचार के रूप में मानो। मुझे मित्रों दो आदमी याद आते हैं, एक कैलाश जी शर्मा कोलकाता के, और एक हमारे हरी हरी राम केड़िया जी, केड़िया जी भाई साहब। इन दोनों ने मिलकर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हम जितनी संभव होगी उतनी पत्रिका हम छाप करके बंगाली में लोगों के घर तक पहुँचाएंगे। उन्होंने पहुंचाना चालू किया, 4-5 हज़ार पत्रिका पहुंची। पर मित्रों मैं ये नहीं संख्या पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने किया और कई वर्षों तक किया। कैलाश जी तो अभी कुछ विपरीत परिस्थितियों में फंस गए, परंतु उसके बाद एक नई पीढ़ी, हमारा उमेश तोशनीवाल, हमारे दूसरे तोशनीवाल जो है हरीश तोशनीवाल, हमारे गोकुल मुंद्रा, ये इनके पिताजी काम किया करते थे, इनके पिताजी काम किया करते थे खूब, उनके दूसरी पीढ़ी काम कर रही है और तीसरी पीढ़ी तैयार हो रही है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलता चला जाएगा। गुरुदेव का साहित्य, गुरुदेव के विचार, गुरुदेव के जन जन तक पहुँचे विचार, जितने ज़्यादा विचारों से बड़ी कोई औषधि नहीं है। विचारों को पढ़े ना, विचारों को पढ़ते ही सारे सारा अंदर का पूरा प्रमाद, पूरा आलस्य, पूरा अनख, पूरी पूरी जितने मन में बातें हैं वो सब निकल जाती हैं। विचार सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जितने भी महापुरुष बने हैं सब विचारों से बने हैं। महात्मा गांधी भी अच्छे विचारों के संपर्क में आने के बाद बने, परम पूज्य गुरुदेव भी श्रेष्ठ विचारों को जन जन तक पहुंचाने की बात कहते थे। मैं भी आपसे एक ही बात कहूँगा, मैं खुद अखंड ज्योति लिखता हूँ, अखंड ज्योति लिखने के लिए मैं पढ़ता हूँ, खूब पढ़ता हूँ, और पढ़ने के साथ साथ मैं ये कहता हूँ सबको पढ़ना चाहिए। तो ये इस कार्य को करने के लिए कोलकाता में एक अच्छे स्थान की जरूरत थी, तो हमको स्थान मिल गया। हमको उस स्थान पर आप लोग आइए और देखिए। उस स्थान के साथ साथ हमारा एक गायत्री चेतना केंद्र है नरेंद्रपुर के पास, जहां हम यूनिवर्सिटी चलाना चाहते हैं और विश्वविद्यालय स्तर की स्थापना करना चाहते हैं। जैसे ही ये हमारा 32 नंबर का केंद्र बन जाएगा, वैसे हम विश्वविद्यालय के लिए पूरी ताकत लगा देंगे और विश्वविद्यालय के लिए हम स्थापना के लिए पूरा साहस जुटा करके सब लोग मिलजुल करके बंगाल से जुड़ा हुआ पूरा भारत, जितना भी भारत का हिस्सा है वो सब के सब हम सब लोग मिलजुल करके उस विश्वविद्यालय को खड़ा कर देंगे। जो विश्वविद्यालय हमने वहाँ बनाया है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार में, उसमें आज देखिए कितनी क्रांतिकारी योजनाएं बन रही हैं। बच्चे जितने निकले पढ़ के पास होने के बाद कई बच्चे निकल जाते हैं, कई बच्चे भौतिकवादी जीवन जीते हैं, कई बच्चे अपना नौकरी करते हैं, पर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अंदर से आदर्शवादी होते हैं। मैंने केवल उनको पुकारा, अपने बच्चों को केवल उनको पुकारा कि जिनके मन में उमंग हो वो आना चाहें तो वापस आ सकते हैं,
कोई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में था, कोई कहाँ था, 1 लाख पा रहा था, कोई 1.5 लाख रुपये पा रहा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मेरी अपील के 2 महीने के अंदर नौकरी छोड़ करके 10 लोग मेरे पास आ गए। मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा आप जैसा रखेंगे वैसा हम रहेंगे। मैं केवल 10,000 रुपये देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता। मैं भोजन देता हूँ, मैं कपड़े देता हूँ, मैं मकान देता हूँ, रहने की सुविधा देता हूँ, और भी जितनी सुविधाएं कार्यकर्ताओं को मिलती हूँ देता हूँ, पर उतने मात्र से वो लोग हमारे यहाँ रहते हैं और प्यार पाते हैं। उनको सबसे बड़ी चीज़ है प्यार। बस आज दुनिया में प्यार कहीं नहीं बिकता, प्यार कहीं नहीं मिलता, प्यार कहीं नहीं दिखता, इसलिए आदमी प्यार की वजह से आता है। तो ये जो वहाँ यूनिवर्सिटी में परंपरा खड़ी हुई है वो हम यहाँ भी विश्वविद्यालय में खड़ी करेंगे। ये हम यहाँ अपना जो केंद्रीय कार्यालय है इसका पूरा तत्वावधान शांति कुंज के अंतर्गत होगा, उसके अंदर बैंडल में हमने स्वावलंबन की रचनात्मक योजनाएं चालू की हैं। बैंडल में भी हम बहुत बड़ी रचनात्मक प्रक्रियाओं को गति देंगे, तेज़ी से गति देंगे, और अभी जो भी कुछ बन के खड़ा हो गया उसको विधिवत व्यवस्थित स्वरूप देंगे। तो मित्रों, ये जो कोलकाता है ये केवल कोलकाता नहीं, बल्कि कोलकाता के साथ साथ पूरा बंगाल और बंगाल से जुड़ा हुआ पूरा दक्षिण भारत, नॉर्थ ईस्ट भारत, पूरा जितना भी है उसमें मैं आदरणीय गौड़ जी भाषा से कहूँगा पूरी ताकत लगा दो। जितनी दक्षिण भारत को जगाने में लगाई थी आपने, उस ताकत को आप नॉर्थ ईस्ट को जगाने में लगा दो। तो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी प्रांत हैं, मिज़ोरम से लेके, नागालैंड से लेके, मणिपुर से लेके, असम से लेके, मिज़ोरम से लेके और पूरा अरुणाचल, ये जो हमारा वो है पूरा क्षेत्र, ये बड़ा प्राणवान क्षेत्र है, भावनाशील क्षेत्र। इससे लगा हुआ नेपाल का क्षेत्र भी बड़ा भावनाशील है। इस पूरे में इतनी जागृति आ जाएगी कि देखते देखते बदलाव दिखाई देने लगेगा। तो गायत्री में बड़ी शक्ति है। गायत्री को ये कहा गया है कि रसायन है, गायत्री अमृत है, गायत्री पारस है, गायत्री कल्पवृक्ष। गायत्री वास्तव में कल्पवृक्ष, इच्छाएँ पूरी कर देती है। हमारी इच्छाएँ आज तक कभी अधूरी नहीं रही। हमने कभी इच्छा की तो हमारी इच्छा पूरी होती चली गई। हमने जो भी कुछ सोचा वो हमें गुरुदेव देते चले गए। गुरुदेव ने जो भी कुछ सोचा गुरुदेव को मिलता चला गया। गुरुदेव के बाद हम लोगों को भी मिलता चला जा रहा है। तो आप लोगों की भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी अगर गायत्री के साथ जुड़ गए, और गायत्री के साथ जुड़ने के साथ आपने इन सारे अभियानों में जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनमें अपनी भागीदारी करना चालू किया। आपके साथ साथ पूरा देश आपके साथ है। हमारे सारे देश के कोने कोने में मिशन फैला हुआ है। अभी इसके तुरंत बाद 10-12 दिन बाद नवरात्रि के तुरंत अगले दिन, विजयादशमी के अगले दिन, पूजा का महीना चल रहा है, ये अभी आपका पूजा का पखवाड़ा चल रहा है, इसकी पूजा के तुरंत बाद बेंगलोर में अपना 4-5 मंजिल का एक बढ़िया गायत्री चेतना केंद्र बनकर तैयार हो गया है। मैं उसका उद्घाटन करने जा रहा हूँ और वहाँ पर सारा टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के लोग रहेंगे, तो उन लोगों ने मिलकर संचालन करने का सोचा है और बड़ी अच्छी टेक्निकली हाई प्रोफाइल चीज़ उन्होंने जुटाई है वहाँ पर, और बेंगलोर के माध्यम से पूरा दक्षिण भारत कंट्रोल करेंगे पूरा। तो मित्रों, ये मिशन जो है, ये मिशन केवल भवन बनाने और केवल यंत्र जुटाने और इसमें विश्वास नहीं करता, बल्कि ये व्यक्ति को बदलने विश्वास करता है। ये व्यक्ति जो है, मानव को जो बनाया था भगवान ने, तो ये सोच के बनाया था कि ये मैंने बनाया है तो ये भगवान का काम करेगा, परंतु भगवान का काम नहीं करता, ये कुछ और ही करता है। इसलिए इस व्यक्ति को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर के अनंत संभावनाओं को पहचानें। छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात समाप्त करूँगा। एक ऋषि पुत्र हुआ है जिसका नाम है उपगुप्त। ये उपगुप्त जो है उद्दालक ऋषि का पुत्र था, ऋषि पुत्र था, और उसको उन्होंने उसको भेजा कि भाई तुम वहाँ सीख करके आओ, कुछ अपनी संस्कृति के बारे में कुछ ज्ञान पा करके तुम थोड़ा सा आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो बालक गया, बालक के रूप में गया था, बड़ा होकर के आया, बड़ा अहंकारी बन के आया। वो उसने आया तो उसने न पिताजी को चरण स्पर्श किया, न माँ को चरण स्पर्श किया, और बोला और पंडित जी आप ठीक हैं? पिताजी को कोई पंडित जी कहे तो कहे लगता है कि शायद मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है, परंतु इतने दिन बाद आया, आने के बाद तूने अपने पिता को हाथ जोड़कर प्रणाम भी नहीं किया। पैर छू करके प्रणाम करने की परंपरा हमारे यहाँ है, भूमिष्ठ होकर के हम प्रणाम करते हैं। परंतु माँ ने पूछा पिता से, पति से, कि ये क्या हो गया हमारे बेटे को? मुझे शायद ज्ञान अधूरा रह गया, शायद ज्ञान अधूरा रह गया। उसके बाद उन्होंने
कुछ बातें पूछी उससे, बहुत गहराई तक पूछी, पता चला कि उनमें सब में कोरा है। वो किताबी ज्ञान तो है, आज जो नॉलेज है बुकिश नॉलेज है, किताब का नॉलेज सबके पास है, पर जो गहराई का ज्ञान है, आत्मज्ञान है, अंदर अंतर जगत का ज्ञान है, वो किसी के पास नहीं है। उस अंतर जगत के ज्ञान को देने की उन्होंने कोशिश की, तो उसने कहा ये तो मुझे नहीं सिखाया गया, ये तो मेरे कोर्स में नहीं था, ये तो मेरे पाठ्यक्रम में नहीं था, सिलेबस में नहीं था। इस तरह से उसने बहाने बनाने चालू किए। उन्होंने कहा नहीं बेटा, फिर से सीखना पड़ेगा, फिर से सीखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों सीखना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा अच्छा इधर आओ, एक सामने पेड़ लगा है, इसका गुलर का पेड़ कहते हैं इसको, गुलर, मुझे मालूम नहीं बंगाली में गुलर को क्या बोलते हैं, गुलर फाइकस का वो वेराइटी होती है जिसमें अंजीर की तरह से पौधे लगते हैं, अंजीर की तरह से, इसमें कीड़े काफ़ी हो जाते हैं क्योंकि मीठा होता है ना वो। गुलर को क्या बोलते हैं, गुमुर, अच्छा गुमुर, चलो मैं भी गुमुर बोलूँगा आज से। तो वो जो फल है वो लेके आओ, सूखा फल, वो लेके आया। तो उसने कहा कि इसको तोड़ो तुम, इसको तोड़ो। तो उसने तोड़ा, उसने कहा कि इसके अंदर क्या है, बोले बीज है, तो बीज को तोड़ो, बीज में कुछ भी नहीं है, बीज बीज तक ऐसे ऐसे ही है, बिल्कुल खाली है, मैंने खोल तोड़ो इसको तोड़ो। बीज को तोड़ा, खोल के देखा इसमें कुछ है नहीं, खाली है। बोले बेटा इस खाली के अंदर जो है, इसी के अंदर पूरे वृक्ष का वैभव समाया हुआ है, पूरा वृक्ष। एक बीज लगा दूंगा तो एक बीज लगाते ही पूरा वृक्ष खड़ा हो जाएगा थोड़े दिनों में, कुछ वर्षों में। ये तू खड़ा हुआ है ना, ये भी एक बीज लगाने से खड़ा हुआ है। बस उस बीज की का महत्व है जिस बीज को तुम पहचान नहीं पा रहे हो। बीज के अंदर चेतना है और वो चेतना ही सबसे बड़ी चीज़ है जो तुम्हें महान बनाती है। इसको सीखना है तो तुम फिर से सीख के आओ। फिर वो गया और फिर 5 साल और फिर सीख के आया। सीख के आने के बाद उसने अपने पिताजी के काम को और आगे बढ़ाया। उसका नाम उपनिषदों में भी आता है। मित्रों ये जो मैंने बात बताई आपको, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि अंतर जगत हमारा जो है, इसको जब तक हम विकसित करने की प्रक्रिया नहीं सीखेंगे और इसको जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक कोई कुछ नहीं होने वाला। आप सब से एक ही अनुरोध है कि हम सब मिलजुल करके, एक संगठित होकर के प्रयास करें, और संगठित प्रयास हमेशा सफल होते हैं। अकेले प्रयास करने से कुछ नहीं होता। 5 पांडव जो हैं वो 100 कौरव के ऊपर भारी क्यों पड़े, वो 100 कौरव आपस में एक दूसरे के से अलग थे। देवी देवताओं में देखा जाए तो देवियां जितनी भी हैं सब मिलकर के एक हो जाती हैं। जब अंबा की बारी आती है, काली की बारी आती है, माँ काली जब खड़ी हो जाती हैं तो सारी देवी देवताएँ उनके अंदर आके समा जाते हैं। जब युद्ध हुआ है, दुर्गा सप्तशती में पूरा प्रकरण आता है, जब युद्ध हुआ तो युद्ध में पहले चंड मुंड मारे गए, फिर निशुम मारे गए, फिर चंड मुंड मारे गए, फिर उसके बाद सब मारे गए। लास्ट महिषासुर वध के बाद जब वो युद्ध होता है, लास्ट युद्ध होता है, उस युद्ध में वो कहता है, असुर कहता है कि ये तू विभिन्न रूप रख करके क्यों आ रही है मेरे पास, तू अकेली लड़ मेरे से। तो फिर वो रक्त बीज का वध हो चुका था, तो वो कहती है कि ये सब के सब मेरे ही अंश हैं। देख, तू देख इस लीला को देख, विचित्र लीला को देख। ऐसा हाथ किया और सारी देवियाँ उनके अंदर समा गईं, पूरी की पूरी, अंबिके, अंबालिके, कालिके, सारी अंदर आ गई। एक ही शक्ति है, एक ही शक्ति, बस उसी के अंदर सबको समाया हुआ। संगठन में बड़ी शक्ति है, संगठन बहुत शक्तिशाली होता है। यदि शक्तिशाली संगठन बनाएंगे आप लोग, तो आप मान करके चलिए कि आप पूरे बंगाल पे कंट्रोल कर सकेंगे। यहाँ से शक्तिशाली संगठन के माध्यम से एक को कहीं भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। देवता जब विघटित होते हैं, देवता जब अहंकारी हो जाते हैं, तो असुर उन पर आक्रमण करके उनके विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो उनको भगवान प्रजापति ब्रह्मा एक संदेश देते हैं, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, देवताओं को एक हो जाओ, संगठित हो जाओ। देवताओं की संगठित शक्ति का नाम काली है। जिस काली की हम पूजा करते हैं, जिस काली की दुर्गा के यहाँ हम पूजा करते हैं, दुर्गा यानी दुर्गम कार्य को पूरा करने के लिए, दुर्गम दैत्य को मारने के कारण दुर्गम कार्य को पूरा करने के लिए संघ शक्ति का एकत्रीकरण, संघ शक्ति इकट्ठी हो जाती है एक जगह, तो उसका नाम है दुर्गा। दुर्गा के पुजारियों, दुर्गा के उपासकों, दुर्गा की उपासना करने वाले लोगों, आप सब मिलकर के एक हो जाओ, सब मिलकर के एक हो जाओ। और सब मिलकर के एक होकर के अगर आप काम करोगे
तो आपके पीछे भगवान स्वयं खड़ा हो जाएगा, महाकाल आके खड़ा हो जाएगा। महाकाल कहेगा मैं साथ हूँ तुम्हारे, तो तुमको किसी काम में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मेरा आज का संदेश ये कि आप सबको मिलजुल करके समय की असमंजस को देखते हुए, समय को देखते हुए असमंजस को मिटा करके अपने आप को तैयार करना है कि युग धर्म क्या है, युग धर्म को निभाना है। दूसरा काम आपको जो करना है वो करना है संघ शक्ति, संघबद्ध प्रयास। हम संघबद्ध होकर कैसे इकट्ठा कर अपने आप को कर सकते हैं, एक साथ मिलकर के काम करेंगे, एक साथ मिलकर कर। नहीं सर हमारा भी नाम आना चाहिए, हमारा भी नाम आना चाहिए, हमारा भी नाम आना चाहिए। ग्रुप फोटो लिया जाता है तो 40-50 लोग खड़े हों तो उसमें ये हो गया सर मैं आपको मालूम है मैं कहाँ हूँ इसमें, नहीं नहीं मालूम पड़ता 40-50 के फ़ोटो में नहीं मालूम पड़ता। हाँ 2 या 3 का फ़ोटो होता तो पता चल जाता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। आपका चेहरा पहचान में नहीं आया कोई बात नहीं, पर आप उसके अंदर पहुँच जाएंगे, उसके साथ जुड़ जाएंगे, उस फोटो की जो प्रक्रिया है उसके साथ आप अंदर जुड़ जाएंगे कि इसमें आप मौजूद हैं। आप बस आप अपनी आइडेंटिटी सेपरेट मत रखिए, आप अपने आप को जोड़ दीजिए। चाहे आप वृक्षारोपण करते हो, चाहे आप जगह जगह यज्ञ कराते हो, चाहे आप जगह जगह उपासना कराते हो, जगह जगह साधना कराते हो, चाहे आप जगह जगह साहित्य बांटते हो, चाहे आप जगह जगह विचारों का विस्तार करते हो, सब मिलकर के एक रहें, सब अपने अपने काम करें, अलग अलग काम करें। हर शक्तियाँ, देव शक्तियाँ सब अलग अलग काम करती हैं। वायु देवता अपना काम करते हैं, वरुण देवता अपना काम करते हैं, सारा काम सारा देवी देवताओं ने अपना डिवाइड कर रखा है। पर काम करने के बाद जब इकट्ठे होने की बात आती है सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। भगवान के अंदर सारी शक्तियाँ हैं। गीता का 11वां अध्याय है, जब अर्जुन सुनता है पूरी बात देखता है पूरा का पूरा, तो वो देखता है कि भगवान तो बड़े विलक्षण हैं। मैं जिनको सुन रहा था वो तो श्री कृष्ण थे, परंतु इन्होंने मुझसे कहा भी कि तू मेरे को पहचान, तू मेरे को पहचान, मैं नहीं पहचान पाया, परंतु अब तो इनका विकराल रूप नजर आ रहा है, इनके दाढ़ से निकल रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा निकल रहे हैं, विष्णु निकल रहे हैं, महेश्वर निकल रहे हैं, सब निकल रहे हैं सारे के सारे। तो ये कौन है, ये कौन है, आप कौन है, हे उग्र पुरुष आप कौन है, 11वें अध्याय में पूछता है। तो बोलते हैं मैं कालों का नष्ट करने वाला महाकाल हूँ, कालों को नष्ट करने वाला, और तू नहीं लड़ेगा तो भी ये सारे के सारे लोग मरेंगे, क्योंकि इन सब का प्राण मैंने पहले ही हरण कर चुकी कर लिए हैं, ये सारे के सारे कौरव मारे जाने वाले, तू चिंता मत कर। तो मित्रों हम कभी कभी सोचते हैं दुनिया में बुराई कैसे मिटेगी, असुरता कैसे मिटेगी, आप क्यों चिंता करते हो, आप तो अपने भूमिका को स्पष्ट कर लो और आप अपने आप को लगा दो भगवान के काम में। भगवान हमारे बीच में आया, हम पहचान नहीं सके, और वो अपने को सारा संदेश देकर 3200 किताबों के रूप में अपना संदेश देकर चला गया। आपके पास सब कुछ है, ज्ञान है, मार्गदर्शन है, सारा सारा इन्फॉर्मेशन है, सारी सूचनाएं हैं कि ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। कुछ नहीं कर सकते तो गुरुदेव के लिखे हुए 25 क्रांति धर्मी पुस्तकें हैं, अंतिम समय में लिखी हुई 1988 से लेकर 1990 तक जो 20-25 किताबें लिखी थी, गजब की किताबें। आप उन किताबों को पढ़ डालो, हिंदी में पढ़ डालो, इंग्लिश में पढ़ डालो, बंगाली में पढ़ डालो, और उनकी आप जहाँ तक हो सके घर घर तक जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करो। आप देखो सारे विचार क्रांतिकारी विचार, क्रांतिकारी जन जन के बीच में, जन जन के बीच में जब जाएंगे विचार विस्फोटक हों, गुरुदेव ने कहा था क्रांति के बीज हैं, ये विस्फोट कर देंगे चारों तरफ। मित्रों हो रहा है, विस्फोट तो हो रहा है। अभी हम अपना एक पहला सेंटर रशिया में बनाने जा रहे हैं, और उसका कारण क्या है, रशिया का जो सेंटर है मास्को में बन रहा है, मास्को में एक सेंटर जो बन रहा है जिसको मैं उद्घाटन करने जाऊंगा अगले साल, उसको पढ़ने वाला आदमी ट्रांसलेटर था हमारा, उसने जब गुरुदेव के विचार पढ़े उसने कहा ये ट्रांसलेटर जो है उसने कम से कम कुछ नहीं तो 5000 लोगों को इकट्ठा किया रशियंस को, और रशियंस को इकट्ठा करके कहा कि अगर हम लोग इनके काम में मदद करेंगे तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये देखो विचार तो देखो, इनको विचार विचार पढ़वाया उसने रशियन भाषा में, और देखते देखते परिवर्तन होने लगा। रशिया में किसी केंद्र के किसी के द्वारा केंद्र बनाया जाना, एक तो उन्होंने बनाया है प्रभुपाद ने जो हरे राम हरे कृष्ण वालों ने, और एक दूसरा गायत्री परिवार ने बनाया, बाकी और वहाँ कोई बनाना किसी के लिए आसान काम नहीं है। तो ये जो हम लोग सोचते हैं ना अपने बारे में, अपने बारे में अपनी इमेज को थोड़ा महत्वपूर्ण समझो। आप आपका काम महत्वपूर्ण है, आप बड़ा काम करने के लिए आए हैं, बड़े काम करने के लिए आपको बड़ा सोच बड़ी सोच विकसित करनी पड़ेगी, बड़ा चिंतन विकसित करना पड़ेगा, देखते देखते परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद पूजा के दिनों में आपको मंगल कामनाएं।
बहुत बहुत आभार हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब, और अब उनका सम्मान करने के लिए, श्रद्धेय डॉक्टर साहब का सम्मान करने के लिए आ रहे हैं आदरणीय बसंत गोयन का, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के हावड़ा महानगर के उपाध्यक्ष, वे श्रद्धेय डॉक्टर साहब का आदरणीय लक्ष्मीकांत तिवारी जी, वे यहाँ की हावड़ा के ही एक और संस्था के हैं, वे भी श्रद्धेय डॉक्टर साहब का सम्मान करना चाहते हैं। हमारे रवि शर्मा ने, मैं समझता हूँ, 35,000 के लगभग वृक्षों का रोपण कोलकाता महानगर में किया है, तो एक ऐप बनाया है उन्होंने, श्रद्धेय डॉक्टर साहब उसका बटन दबा के उस ऐप को आज से चालू कर देंगे, वृक्षारोपण और ये जो कार्य जो कर रहे हैं उसी क्षेत्र में, भाई रवि शर्मा जी। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के, अच्छा आप कुछ बोलेंगे भाई, गीत कर भाइयों बहनों, ये जो अभी वृक्षारोपण वाला ऐप जो हुआ है, इसको आप एंड्रॉयड वाला, हर एक के पास आजकल स्मार्टफोन होता है, एंड्रॉयड वाला जो फ़ोन है उस पर आप गूगल स्टोर होता है, क्या बोलते हैं इसको, गूगल प्ले स्टोर, उसमें आप उसको GPYG कोलकाता करके आप अगर टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और आप इसको डाउनलोड करके इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में जान सकते हैं। हम लोग अगले साल जुलाई में, 1 जुलाई को 400वां वृक्षारोपण पखवाड़ा मनाएंगे, मैं उसमें आऊँगा, तो आप लोग भी आइएगा उसमें। हर आप सोचिए कि बालक जो है एक भी संडे नहीं छोड़ता, हर संडे को ये अपने साथियों को साथ लेकर, पूरी टीम को साथ लेकर के वृक्षारोपण करता है। कम से कम कुछ नहीं तो इसने 40,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए, नहीं 36,000 पेड़ लगा चुका है अभी तक ये, और कलकत्ता के वायु, कलकत्ता का जल इसको बराबर बधाई देगा, इसको आशीर्वाद देगा। अब एक छोटा सा गीत है, आप लोग खड़े हो गए कोई बात नहीं, सुन के जाइए इस गीत को। गुरुदेव क्रांति का अध्याय लिखकर दे गए थे हमको, और उसको यदि हम कभी भुला देंगे तो बहुत दिक्कत होगी। इसके पहले श्रद्धेय डॉक्टर साहब के चरणों में प्रणाम करने आ रहे हैं एक घोषणा के साथ श्री रामावतार जी अग्रवाल की, 6 महीने तक बंगला साहित्य का ब्रह्म भोज, 4 महीने तक ये करेंगे, आ जाइए आशीर्वाद लीजिए।
चार महीने तक ब्रह्म भोज में बंगला साहित्य वो उपलब्ध कराएंगे। भाई साहब जो है ब्रह्मभोज कर रहे हैं, 50 लाख का साहित्य बेच चुके हैं बंगला साहित्य, और सब सब घर 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 में जा चुका है साहित्य। आगे भी आपका करने का मन है, आपका कहना है कि 4 महीने हमारा व्यापार का मंदी का समय रहता है, उसमें ज़्यादा बिजनेस में होता नहीं है, हम उसमें सारा साहित्य बेचते हैं, उस समय साहित्य घर घर स्थापित करते हैं आधी कीमत पर। ब्रह्मभोज का मतलब होता है आधी कीमत पर। गायत्री चेतना केंद्र जो है नरेंद्रपुर में स्थित है, और आपको 25 किलोमीटर करीब यहाँ से पड़ता है दक्षिण में। आप में से किसी को मौका मिले तो आप जाइएगा, देखिएगा वहाँ कितनी प्रगतिशील योजना चल रही है। बाकी और विस्तार करना है उसका तो हम लोग बैठ करके हम लोग मिलजुल करके प्लानिंग करेंगे पूरी, और उसका विस्तार करेंगे और उसके लिए विधिवत योजना बनाएंगे। अभी शांतिकुंज के बाद दूसरा विश्वविद्यालय रायपुर में बन गया है सांकरा में, तो वहाँ पर हमने उसका उद्घाटन 15 तारीख को हम लोग कर रहे हैं रायपुर में, 15 अक्टूबर को। और मेरे को लगता है 1 साल के अंदर हम यहाँ का भी इस यहाँ का भी विश्वविद्यालय आरंभ कर सकेंगे। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो, क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो, हम कदम उससे कभी पीछे हटाए आएगी गुरु जी आपकी। कायरों की भांति हम आंसू बहाएंगे नहीं, क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो। संकर बन जहर पीते रहे संसार का, आप संकर बन जहर पीते रहे संसार का, पर न व्रत छोड़ा कभी भी आपने उपकार का। दर्द किस तरह हम आपसे मिल कामना सुख के करें, बढ़ गए जिस राह पग पीछे हटाएंगे नहीं, क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो, क्रांति का अध्याय लिख कर।
जगमगाएंगे नहीं क्रांति का अध्याय लिख के दे गए हैं आप जो क्रांति का अध्याय लिख के दे गए हैं आप जो याद आती आपकी पूजन प्रभो कैसे करें लक्ष में आंखें लगी जो वे सलिल कैसे झरे आप ओझल हो गए तो क्या रहा संसार में अर्चना के आप जो दीपक जलाकर रख गए हैं सामने अखंड दीप शांति कुंज में जो जल रहा है परम श्रद्धेय जी जी अपनी तप की ऊर्जा से उस अखंड दीप को सतत जला रखी है परम पूज्य गुरुदेव ने जिस अखंड ज्योति की कलम थमाई परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब अखंड ज्योति सतत चल रही है हम सब उनके साथ अपने साधन अपनी तपस्या अपनी ऊर्जा का एक अंश उसमें जरूर देते रहे आप जो दीपक जलाकर रख गए हैं सामने आप जो दीपक जलाकर रख गए हैं सामने ले प्रभो विश्वास हम उसको बुझाएंगे नहीं याद तो हरदम सताएगी गुरु जी आपकी कायरों की भांति हम आंसू बहाएंगे क्रांति का अध्याय लिख के दे गए हैं आप जो क्रांति का अध्याय लिख के दे गए हैं आप जो हम कदम उससे कभी पीछे हटाएंगे नहीं याद तो है हम सताएगी गुरु जी आपकी कायरों की भांति हम आंसू बहाएंगे नहीं आप जो
अब आमंत्रित हैं आदरणीय प्रहलाद शर्मा जी आभार ज्ञापन के लिए। ओम सहना भवतु सहनो नक्तु सर्वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव से मैं 76 में जब स्थूल रूप से मिला था, आप कहेंगे स्थूल, हाँ स्थूल कह दीजिए, उसके पहले परम गुरुदेव की असीम कृपा से जब मिला तो उन्होंने कहा था, महाकाल जब कृपा करता है कभी कभी तो अहेतुक कृपा करता है, और सज्जन डॉक्टर साहब आज अहेतुक कृपा करने के लिए हम आपको यहाँ पर देख रहे विराजमान हैं, इसलिए परम आदरणीय सज्जन डॉक्टर साहब के चरणों में प्रणाम करते हुए कालीचरण जी भाई साहब, गौर जी भाई साहब, हरीश जी भाई साहब और शांतिकुंज की जो भी टोली है सबसे सबके चरणों में लाऊँ, क्योंकि शांतिकुंज वह महाकाल का घोंसला है जहाँ 21वीं शताब्दी का उज्ज्वल भविष्य लिखा गया है। इसलिए चलिए धन्यवाद, तो पहले डॉक्टर साहब को धन्यवाद मेरे चरणों में प्रणाम करता हूँ कि बराबर ऐसी कृपा बनाए रखिएगा ताकि बंग भूमि जो आपने कहा जागेगी वो तो निश्चित रूप से जाग कर रहेगी। आप सब लोग दूर दूर से आए, काफ़ी दूर से आए, काफ़ी दूर, कई लोग 6 बजे चले हैं, कहीं 5 बजे चले हैं, और सब ने सब प्रकार का सहयोग दिया है, जिन्होंने मंच दिया है मतलब हॉल दिया है, जिन्होंने यहाँ पर एस एन पांडे जी है उनके सहयोग से धन्यवाद, तो मैं पहला उनका भी ज्ञापन करना चाहूँगा। ऐसे श्रेष्ठ कार्य में हम चाहेंगे उनका सहयोग बराबर मिलता रहे, उनको हार्दिक धन्यवाद। दूसरी चीज़ है कि जितने भी यहाँ पर अपने चेतना केंद्र है, बंडल है, 32 नंबर है, नेहाटी है, सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ तक कि दूर दूर से लोग, दार्जिलिंग की गाड़ी बीच में बंद हो गई तो लोग नहीं आ पा रहे, उन्हें क्या करें कि हम नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा आए हैं तो सबको ये लगता है कि कैसे पहुँचे कैसे नहीं पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि एक दफ़े बता दीजिएगा कि दार्जिलिंग का उधर का थोड़ा ठीक करवा दे तो हम लोग भी जल्दी मिलने के लिए आए, इसलिए सबकी इच्छा है और लगता है जैसे परिवर्तन की वेला है, निश्चित रूप से सबका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और बोलने में थोड़ा मैं हिचकिचा रहा हूँ, इसलिए हिचकिचा रहा हूँ कि डॉक्टर साहब के बोलने सामने बोलने का पहला मौका है, इसलिए लगता है कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, फिर भी अगर से कुछ ये हो तो हम आप सब मिलकर के डॉक्टर साहब को ये क्या आश्वासन दे सकते हैं कि सब एक साथ चलेंगे, संगे शक्ति कलयुगे, तो क्या चल सकते हैं, तो एक दफे हाथ उठा कर परम पूज्य गुरुदेव की, इतना हो जाएगा तो फिर निश्चित रूप से खुदीराम की भूमि एक बार बोलेगी चलो एक बार बिदाई जाओ माँ घुरियासी, जरा दूर दूर थे क्रांतिर भूमि से आज के स्टेन पूजो मंडपे आज के जरा डॉक्टर साहब के श्रद्धा सब सुने, डॉक्टर साहब एक कथा बोले बंगभूमि जागृत हो, এটা জাগৃত, এটা বলিন্দানের ভূমি, এটা ক্রান্তিবীরদের ভূমি, এটা সাহিত্যকারের ভূমি, এটা সাধকের ভূমি, যারা দূর দূর থেকে হয়তো ওরা হিন্দি এতটা বুঝেননি তাই বলে আমি দুটো শব্দ বলছি বাংলাতে, আপনাদেরকে আহ্বান করতে এসছেন সর্দার ডাক্তার সাহেব হরিদ্বার থেকে, আর এটা জানাতে এসছেন 21শ শতাব্দী আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্য, আসুন আমরা সব মিলে এই বঙ্গভূমিকে আবার জাগৃত করি, আবার গায়ত্রী মাকে ঘরে ঘরে আমরা নিয়ে যাই, আর গুরুদেবের সাহিত্যকে ঘরে ঘরে আমরা যাতে পুজো দিতে পারি, হম গুরুদেবকে সাহিত্যকে ঘর ঘর লে যায় এসা গুরুদেব সজ্জন ডাক্তার সাহেব আহ্বান কিয়া হ্যাঁ। অন্ত মে এক বাত ওর কহতা হুম, জিতনে ভি যুবা লোক জো ব্যবস্থা সম্ভাল রে হ্যাঁ সবকো মে বহুত বহুত ধন্যবাদ দেতা হুম, আর পুনঃ শান্তিকুঞ্জ হরিদ্বার কো ধন্যবাদ দেতে হুয়ে বিনম্র প্রার্থনা করতা হুম কি কৃপা বনাই রেখেগা তাকি বঙ্গভূমি ইয়া साधकों की भूमि, श्रद्धा की भूमि पुनः जागृत हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, कोई भूल त्रुटि हुई हो हम लोगों से हमारे कार्यकर्ता के तरफ से तो उसे क्षमा प्रार्थना करें। ओम शांति। आदरणीय प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर वाक्य हो गया बोले, बंगाली में समझ नहीं पाया परंतु मैं समझता हूँ कि भाव उसके पीछे कितने उज्ज्वल थे। आप सबको आमंत्रित करता हूँ, 15 से 35 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको 26, 27, 28 जनवरी युग सृजेता नाम का एक बड़ा समारोह, समापन समारोह नागपुर में हो रहा है,
इसमें चार जगह से चार रथ आकर के इकट्ठे होंगे। एक रथ चला है द्वारका से, एक रथ चला है तिनसुकिया से, एक रथ चला है कन्याकुमारी से, एक रथ चला है वैष्णो देवी से। पूरे देश का मंथन करके 3 महीने के अंदर ये रथ वहाँ पहुँच जाएंगे और युवा क्रांति वर्ष का समापन होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी उसमें आने की संभावना है। आप लोग 26, 27, 28 में आ सकें तो आइएगा। पूरी भीड़ को नहीं लाना है, अपने को युवाओं को भेजना है, तो अपने अपने घर के युवा को निकालिए और भेजिए। अपने घर के युवा को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने दामाद को, अपने बहू को आप भेजिए और आने दीजिए, उनको जुड़ने दीजिए उस प्रवाह से युवा क्रांति वर्ष के। मैं वहाँ आपको मिलूँगा। हम सबके हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब पंड्या जी साहब, आप सबका मन है कि हम उनके निकट आए, उनको प्रणाम करें, उनके आशीर्वाद लें। डॉक्टर साहब के हृदय में जो वेदना थी आप तक पहुंचा दी। आप सब संकल्पित हुए हैं मिशन को समयदान देने के लिए, मिशन को गति देने के लिए, साधन दान, अंशदान देने के लिए। डॉक्टर साहब के हृदय में आप सबके संकल्प को देख करके बहुत प्रसन्नता हुई है। डॉक्टर साहब के बहुत बहुत आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। हम सब एक साथ एक भाव से खड़े होंगे और दूर से वहीं हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे, इस भाव से कि हम उनके निकट में हैं और उनके आशीर्वाद हमको मिल रहे हैं। एक बार सब खड़े हो जाएं, दोनों हाथ जोड़ लें और इस भाव के साथ कि आप उनके निकट हैं, आप उनके पास खड़े हैं, उनके बिल्कुल नज़दीक हैं और उनके आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं, इस भाव से आप उनको प्रणाम करेंगे। हाथ जोड़ें। ओम नमो स्तवंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादा शिशिरोर्वावे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारणे नमः सहस्त्रकोटि युगधारणे नमः। डॉक्टर साहब हमारे बीच से विदा होंगे, आप अपने स्थान पर खड़े रहें, जय घोष में साथ देंगे। बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे, जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वह है प्यारा देश हमारा, वह है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। माँ का मस्तक ऊंचा होगा त्याग और बलिदान से। मानव मात एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। जागेगी भाई जागेगी नारी शक्ति, जागेगी जागेगी भाई जागेगी नारी शक्ति, जागेगी। भारत माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो।